तो क्या लॉ ऑफ अट्रैक्शन रिलेशनशिप में वर्क करता है या नहीं करता? दोस्तों, मैंने अपनी लाइफ में लॉ ऑफ अट्रैक्शन के कई बार अलग अलग एक्सपीरियंस किया है, लेकिन मैंने लोगों की लाइफ में देखा भी है और उन चीज़ों को एक्सपीरियंस किया है कि भाई लॉ ऑफ अट्रैक्शन है ना, सबसे ज़्यादा अगर इफेक्टिवली वर्क करती है तो वो रिलेशनशिप में ही करती है। क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन के लिए एक चीज़ बहुत ही ज़्यादा मायने रखती है और वो चीज़ होती है कि आप अंदर से क्या फील कर रहे हो, आप अंदर से कैसा महसूस कर रहे हो। आपने कई बार ऐसा सुना होगा, शायद सीखा होगा कि आपको ना चीज़ें इमेजिन करनी होती है। देखो दोस्तों, इमेजिन करने के बाद ही आपको चीज़ें फील होती है और लॉ ऑफ अट्रैक्शन के लिए वो चीज़ों को फील करना ज़रूरी होता है, ना कि जस्ट इमेजिन करने से। हाँ, आपने अगर इमेजिन कर लिया है लेकिन उन चीज़ों को आप फील नहीं कर पा रहे हो, यानी कि आपकी इमेजिन वाली दुनिया को असली नहीं समझ रहे हो, तो फील नहीं कर पाओगे तो चीज़ वर्क नहीं करेगी। तो रिलेशनशिप में आपका कोई भी प्रॉब्लम क्यों ना हो, पार्टनर इग्नोर कर रहा है, ब्रेकअप हो गया है, या आपका कोई क्रश है उनके साथ आप रिलेशन बनाना चाहते हो, लो अट्रैक्शन सबसे ज़्यादा पावरफुल है अगर आपकी सिचुएशन में साइकोलॉजिकल चीज़ें वर्क नहीं कर रही है तो। दोस्तों, ऐसे रिलेशनशिप कोच मैं काफ़ी लोगों से मिला हूँ एंड बहुत सारे ऐसे लोगों से जिनका एक्सपीरियंस रहा था कि उनको ना अपने पार्टनर के ऊपर डाउट था, शक था। तो जब वो शक करते हैं तो ऐसा इमेजिन करते हैं कि इस लड़के के साथ इसका कुछ होगा, उस लड़की के साथ उसका कुछ होगा, तो बिना मतलब के ही वो नेगेटिव चीज़ें ना इमेजिन करने लगते हैं। एंड सबसे ज़्यादा मैंने ऐसे लड़के देखे जो फालतू के शक करते थे, पर उनके शक के कारण, उनके इस फालतू के इमेजिन के कारण वो चीज़ रियल हुई है। एक महीने बाद, दो तीन या चार महीने बाद उन लोगों ने जस्ट अपने शक के कारण उन चीज़ों को सही कर दिया है। क्योंकि पहले तो वो बिना मतलब के शक करता था, लेकिन उसकी गर्लफ्रेंड, उसका बॉयफ्रेंड उनके बिना मतलब के शक से पक जाते हैं, उस रिलेशन से फिर वो भाग जाते हैं। एंड जो उनका पहला शक होता है ना कि किसी और के साथ इसका कुछ है, वो होता नहीं है, लेकिन उनके इमेजिन के कारण वो बन जाता है। ऐसे तो लोगों के रिलेशन की और लॉ ऑफ अट्रैक्शन के अच्छे या बुरे रिजल्ट की लाखों स्टोरी। एक बात हमेशा याद रखना कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन में हो एंड बुरी चीजें तुम फील करने लगते हो, इमेजिन करने लगते हो, तो डेफिनेटली तुम्हें उनके भी रिजल्ट मिलेंगे ही मिलेंगे। तो तुम किसी के साथ रिलेशनशिप में हो, कोई भी प्रॉब्लम है, इग्नोर कर रहा है, ब्रेकअप हो गया है, पर मुझे ऐसा लगता है कि तुम चाहते हो कि उनके साथ तुम्हारा रिलेशन अच्छा हो, सब कुछ ये सही हो, परफेक्टली तुम दोनों का रिलेशन चले, ऐसा तुम चाहते हो, तो इस वीडियो में ना मैं तुम्हें कुछ मेडिटेशन टेक्निक सिखाऊंगा। उसमें तुम्हें कुछ नहीं करना है, ठीक है, बस इस वीडियो के साथ थोड़ा सा प्रैक्टिस करना है और उन चीज़ों को जब भी तुम्हें टाइम मिले ना वो करते रहना है, ठीक है। अगर सुबह तुम जल्दी नींद से जाग जाते हो या रात को जब तुम सोते हो, तब मोस्टली इन चीज़ों को आराम से करना, रिलैक्स होते हो, तब तुम्हारे पास कोई काम नहीं होता, तो तुम इन चीज़ों को अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर पाओगे। अब मैं तुम्हें कुछ इस तरह से बताऊंगा ताकि तुम सही तरह से इमेजिन कर पाओ और वो चीज़ें ना तुम्हारे माइंड में सही तरह से बैठ जाए और वो चीज़ें फील भी हो, ठीक है। फील होने का महत्व यहाँ पे सबसे ज़्यादा मैं आपको बता रहा हूँ, तो इस बात के ऊपर गौर करना। अब तुम इस वीडियो को यहाँ पे पॉज कर दो, कोई अच्छी सी जगह ढूंढ लो, अगर हेडफोन नहीं लगाए तो तुम्हें लगा लेना चाहिए तुम्हारी सुविधा के लिए। पहली बार हम साथ में करेंगे, फिर इसको आपको रिपीटेड मोड में करते जाना है जब भी टाइम मिले तब, ओके। तो अब आराम से आप अपनी आंखें बंद कर लीजिए, ठीक है, एकदम रिलैक्स हो जाए, अपनी बॉडी को एकदम रिलैक्स कर दीजिए। फिर आप आराम से धीरे से सांस लीजिए, एक दो बार सांस लीजिए और बाहर निकालिए, ऐसा एक दो बार कर सकते हैं। अब तुमने आंखें बंद कर ली, ठीक है, अब तुम्हारे माइंड में ना एक फिल्म चलेगी, एक पिक्चर तुम देखने वाले हो, ठीक है, उसका सबसे पहला और इम्पोर्टेंट कैरेक्टर हो तुम, ठीक है, एक ऐसी लड़की, अगर तुम लड़की हो या तुम लड़के हो, ठीक है, तो उसका एक कैरेक्टर तुम हो और दूसरा कैरेक्टर जो तुम्हारा पार्टनर है, जिसे तुम पाना चाहते हो, जिसे तुम प्रेम करते हो, ठीक है। अब तुम्हें ऐसा देखना है कि भाई मॉर्निंग होती है, सुबह होती है, जैसे ही तुम्हारी मॉर्निंग होती है, ठीक है, तो अब बहुत सारे लोगों को ये सूटेबल करेगा कि वो उठने के साथ ही अपने पार्टनर से बात करते हैं, शायद मैसेज करते हैं, शायद कॉल करते हैं। तो तुम्हें अब वो पिक्चर में देखना है कि वो लड़की
तुम जो लड़की हो तो या लड़के हो तो अपने पार्टनर से बात कर रहे हैं और कुछ भूल जाओ, तुम्हारे दोनों के बीच में लड़ाई हुई थी, क्या है क्या नहीं है, जस्ट ये देखो कि सुबह होती है एंड तुम उनके साथ पहली बार बात कब करोगे, व्रत करने के बाद, नाश्ता करने के बाद या उठने के साथ ही। उस चीज को तुम्हें देखना है, उस सीन को तुम्हें फील करना है, ठीक है। क्या मैसेज करते हो, क्या बातें करते हो तुम दोनों के साथ उठने के साथ ही, ठीक है। सो ओके, हो सकता है कि तुमने ऐसा देखा है कि उठने के साथ ही तुमने मैसेज किया, आई लव यू किया, ये वो, ठीक है। अब तुम रेडी हो जाते हो, ठीक है, तुम जॉब पे जा रहे हो या तुम स्कूल में जा रहे हो, कॉलेज में जा रहे हो, कहीं भी जा रहे हो। अब तुम्हें दूसरा चित्र ये देखना है कि तैयार होकर तुम जा रहे हो अपने काम पे, जो भी तुम्हारा एक रूटीन होता है। तो आज तुम बड़े ही खुश हो, तुम्हारा मूड बहुत ही अच्छा है, गाना गुनगुनाते जा रहे हो क्योंकि तुम्हारे पार्टनर के साथ तुम्हारी बात हुई, जिनके साथ तुम रिलेशनशिप में हो, तुम उनसे बहुत प्यार करते हो, तुम्हारा पार्टनर भी तुम्हें बहुत प्यार करता है एंड आज तुम दोनों के बीच में अच्छी कन्वर्सेशन हुई, बातें हुई, इस चीज़ के कारण तुम्हें अच्छा फील हो रहा है। तो तुम इंजॉय कर रहे हो चीज़ों को, काम कर रहे हो तो भी गाना गा रहे हो, ठीक है। तो सुबह जो चीज़ हुई उसका फील अभी भी आपको हो रहा है, अच्छी चीज़ें तुम फील कर पा रहे हो। अब तुम्हें एक चीज़ और फील करनी कि इवनिंग का टाइम है, तुम अकेले हो, तुम अपने पार्टनर के बारे में सोच रहे हो एंड दो चीज़ तुम और सोच रहे हो कि यार तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम बहुत ही ज़्यादा लकी हो, ठीक है। तुम अपने आप को ब्लेस फील कर रहे हो कि तुम्हें कितना अच्छा पर्सन मिला जो तुम्हें समझता है, जो तुम्हें प्यार करता है, ठीक है। एंड लाइफ में शायद इस चीज़ की तुम्हें हमेशा से एक नीड थी, अब वो तुम्हें लगता है कि वो पर्सन मिल गया, तुम्हें वो प्यार मिल गया, तो उस चीज़ से तुम अपने आप को एक ब्लेस फील कर रहे हो। इसी चीज़ इसको थोड़ा सा फील करने की ट्राई करो। एंड अब चौथा सीन तुम देख रहे हो कि भाई आज एक संडे है या तुम्हारा कोई भी हॉलीडेज जब होता है, ठीक है, तुमने पहले से अपने पार्टनर के साथ बात करके रखा था एंड आज वो दिन है जब तुम अपने पार्टनर से मिलने जा रहे हो, ठीक है। अब तुम सोच रहे हो, तुम समझ लो कि तुम दोनों कहाँ पर मिलते हो, कैसे मिलते हो, कोई कैफे पे जाते हो, कोई गार्डन पे मिलते हो, ठीक है। तो अब तुम उनको मिलने वहाँ पर पहुँच गए, तुम्हारा पार्टनर तुम्हारे सामने है, ठीक है, वो तुम्हें देखकर स्माइल कर रहा है क्योंकि वो अंदर से खुश है, तुम भी उनको देखकर बड़े ही धीमे धीमे स्माइल कर रहे हो क्योंकि तुम्हें भी काफ़ी अच्छा लगता है उनके साथ बैठकर, आपके दोनों के बीच में बहुत सारी बातें होती हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो आपकी मीटिंग से वो ओवरऑल बहुत ही अच्छी रही, इस चीज़ के कारण आज आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छा फील हो रहा है, ठीक है। आपका पार्टनर भी आपसे अलग होना नहीं चाहता, इस डेट को, इस मीटिंग को छोड़ के जाना नहीं चाहता, लेकिन आप दोनों को टाइम के हिसाब से अब इस मीटिंग को यहाँ पर ख़त्म करके अपने अपने घर जाना होता है। तो तब थोड़ा सा आप दोनों को वैसा भी फील होता है थोड़ा जुदा होने का, पर बहुत अच्छा भी लग रहा है क्योंकि आप दोनों मिलकर आप दोनों ने बहुत सारी चीज़ें साथ में की, यानी ये मीटिंग और ये आप दोनों के रिलेशन की सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रही, ठीक है। तो एग्जैक्टली उन चीज़ों को वैसा फील करने की कोशिश करो जैसे तुम मिलते हो एंड अलग होते हो, तब तुम्हें जो फील हो रहा है सारी चीज़ें बहुत ही अच्छी रही। अब पाँचवीं चीज़ तुम्हें इमेजिन करनी है कि एक दिन नाइट का टाइम है, तुम सोने के लिए जा रहे हो एंड बेड पर तुम अपने फ़ोन लेकर बैठे हो और स्पेशली तुम लोग मैसेज पर बात करो। अगर तुम लोग कॉल पर बात करते हो तो नो डाउट तुम्हारे लिए जो भी सूटेबल हो, ठीक है, तो मैसेज पे बात करो एंड तुम सोने जा रहे हो, टाइम अच्छा खासा हो गया है, जो भी तुम लेट नाइट सोते हो जितने भी बजे वो टाइम हो गया एंड तुम्हारा जो पार्टनर होता है ना वो तुम्हें बहुत केयर दिखा रहा होता है, जेन्युइनली वो तुम्हारी केयर कर रहा होता है, तुम्हें प्यार दिखा रहा होता है, वो तुम्हें बता रहा होता है कि तुम उनके लिए क्या वैल्यू करते हो उनकी लाइफ में, वो तुम्हें कितना प्यार करता है। एंड ये सारी चीज़ें ना आपको सुनकर और अपने रिलेशन के बारे में, अपने पार्टनर के बारे में सोचकर बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है एंड इसके कारण आप बहुत ज़्यादा खुश भी हो एंड आपके पार्टनर को भी आप बता रहे हो कि आप बहुत ज़्यादा खुश हो उनके साथ रिलेशनशिप में। एंड ये सारी चीज़ें होने के बाद अब आप अपने पार्टनर को बताते हैं कि आपको नींद आ रही है एंड आप नहीं चाहते हैं कि आप सो जाए, लेकिन सोना आपके लिए इम्पोर्टेंट है, ज़रूरी है, इसलिए आप अपने पार्टनर को बाय कहते हो, गुड नाइट कहते हो। तो अब आप आंखें खोल सकते हो और अब समझने वाली बात ये है कि इस वीडियो में जो मैंने आपको पांच सीन के बारे में बताया, अलग अलग एक मॉर्निंग से स्टार्ट लेकर,
ठीक है, जो भी सीन बताए ना उनको आपको दिमाग में याद रख लेना। अगर आप चाहते हो तो इस वीडियो को आप फिर से देखो, सीखो एग्जैक्टली, ठीक है, जो भी सीन मैंने आपको बताए उनको अपने हिसाब से क्रिएट करने की कोशिश करो। जैसे मैंने मॉर्निंग में बताया, जैसे तुम काम करने जा रहे हो, वो चीज़ें डिफरेंट हो सकती है तुम्हारे हिसाब से। लेकिन अगेन मैं आपको एक चीज़ यहाँ पर याद दिलाना चाहता हूँ कि ये खास याद रखो कि इस सारी चीज़ों में आपको फील करना है कि तुम्हें बहुत अच्छा लग रहा है, तुम्हारा रिलेशन बहुत अच्छी तरह से आगे बढ़ रहा है हर एक सीन पर, हर एक स्टेज पर। ये चीज़ें ज़्यादा ज़रूरी है। एंड जब भी तुम्हें टाइम मिले ना तो ऐसे सीन को, ऐसा ज़रूरी नहीं कि एक साथ में ही करना है, कभी ये चीज़ फील की तो वो की स्टेप बाय स्टेप उनको करते रहो। क्योंकि जब लोगों के पास कुछ अच्छा फील करने के लिए, सोचने के लिए नहीं होता ना, तो वो गंदी चीज़ें सोच लेते हैं। एंड कहीं ना कहीं दोस्तों रिलेशनशिप में आप उन चीज़ों को भी अट्रैक्ट करते हैं। तो आपके पास कुछ अच्छी भी चीज़ें ऐसी होनी चाहिए जिससे आपके रिलेशन में कुछ पॉजिटिव चीज़ें हो। कितना भी चीज़ें आपकी उलट पुलट क्यों ना हो, आपको और कुछ नहीं सोचना है, बस इस मेडिटेशन को टाइम के साथ यूज़ करना है, प्रैक्टिस करना है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें। इस चैनल पर पहली बार आए, रिलेशन के बारे में सीखना समझना चाहते हो, साइकोलॉजी हो या आप मेडिटेशन हो, लो अट्रैक्शन हो, तो इस चैनल पर 500 से ज़्यादा फ्री में वीडियोज आप देख सकते हो। आप हमारे साथ पर्सनली इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे जुड़ना चाहते हो तो उनके लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच।